नमस्कार एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेडर फ्रिक्शन। इसके पहले हम कुछ फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, तो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लेडर फ्रिक्शन। लेडर फ्रिक्शन में क्या करना है हमको, जस्ट एक लेडर कंसिडर करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक वर्टिकल वॉल है और एक ये हॉरिजॉन्टल वॉल है। इस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वॉल पर ये जो लेडर ए बी, या इसको क्या कहते हैं, सीढ़ी ए बी जो है रखी हुई है, ठीक है। तो हम वन बाई वन पॉइंट जो है कंसिडर करेंगे। हम पहले तो देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि ये जो लेडर है ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर इंक्लाइन है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पर हमसे बोला गया है कि इसका जो वेट है लेडर का, वो इसके सी जी पर वर्क कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, डब्लू, कैपिटल डब्लू। एंड थर्ड पॉइंट में हमसे बोला गया है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर जो लेडर है वो जस्ट एक स्लीपिंग कंडीशन पे, मतलब स्लिप कर जाएगी, है ना। इस पॉइंट पर रखी हुई है कि वो जस्ट स्लिप करने वाली है। तो यहाँ पर एक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, जैसे कि आप समझ अभी पढ़ चुके हैं अपन, कि यदि लेडर स्लिप करेगी तो वो यहाँ पर मूव करेगी, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। दैट मीन्स एफ वी इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका, क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स म्यू बी एंड आर बी, ठीक है। क्योंकि ये जो लीडर है वो यहाँ पर बी पॉइंट पे कांटेक्ट में है और यहाँ पर ए पॉइंट पर है, तो यहाँ से एक रिएक्शन मिलेगी इसको आर बी और यहाँ से आर ए। नेक्स्ट पॉइंट में हमसे बोला गया है वही चीज, जैसे कि अभी हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे थे कि ये स्लिप करेगी तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ऐसे वर्टिकल में भी है कि यदि ये स्लिप करेगी यहाँ पर तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, नीचे की तरफ स्लिप करेगी तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ ए, जो कि क्या है आपका, म्यू ए आर ए, ठीक है। तो ये अब इस लेडर की जो लेंथ है वो हमको एल दी गई है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मिड लेंथ के मिड पॉइंट पर डब्लू वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहे हैं, तो ये हाफ ऑफ लेंथ क्या हो जाएगी, एल बाई टू एल बाई टू। यहां से ए से हमने यहां तक की डिस्टेंस कंसिडर की है एच, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना लेडर जहां तक है, स्टार्टिंग से हमने कंसिडर की है एक्स डिस्टेंस। तो ये तो हो गए हमारे कुछ कंसिडरेशन, है ना। बट ये तो हमको पता है ना ऑब्वियसली कि म्यू ए क्या हो जाएगा आपका, कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ए, है ना। म्यू ए कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लेडर एंड वॉल, लेडर एंड वॉल के बीच में कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, ये वॉल है ये लेडर है। एंड म्यू बी क्या हो जाएगा, कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेडर एंड फ्लोर, ये क्या है, फ्लोर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फ्लोर है ऑब्वियसली, और वर्टिकल क्या है, वॉल है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा कंसिडरेशन। अब एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि ये जो प्लेन्स हैं ये रफ ना होके स्मूथ हैं तो कोई भी फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। दैट मीन्स वॉट, कि कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी जीरो होगा और फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे, इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। यह है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि एक लेडर है जिसमें वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म लेडर वेइंग 300 न्यूटन रेस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल एंड द अदर एंड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। मतलब अभी हम जो बात कर रहे थे कि एक जो है वर्टिकल है या वॉल है और एक हॉरिजॉन्टल है या फ्लोर है, तो हमसे इसमें क्वेश्चन में ऐसा बोल रहे हैं कि जो वर्टिकल है या वॉल है वो क्या है, स्मूथ है, और हॉरिजॉन्टल पार्ट जो है वो कैसा है, रफ है। मीन्स इसका क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अब हमको फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिलेगा, बस यहाँ पर मिलेगा, है ना। दैट इज कि म्यू ए जीरो हो जाएगा, एफ ए जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जो है स्मूथ है, ये हमें आगे काम आएगी ये वाला कॉन्सेप्ट। आगे बोला गया है कि कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, यहाँ के लिए कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हमको दिया 0.24। हमसे बोला गया है कि इंक्लिनेशन फाइंड करो विद द हॉरिजॉन्टल, कब, जबकि व्हेन इट इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग, जबकि ये बिल्कुल स्लिप करने वाली पॉइंट पर हो, या दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है ये। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो एल और एक्स जो है इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे हम एल के फॉर्म में, ठीक है। कैसे फाइंड करें, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में यदि मैं ऐसा लिखूं कि साइन थीटा इज इक्वल एच अपॉन एल, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल एच अपॉन एल, दैट इज नॉर्मल अपॉन हाइपोटेनियस, है ना।
तो ये या क्या कहते हैं हम, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से h की वैल्यू मिल जाएगी हमको, h इज इक्वल l साइन थीटा, और इसी तरह से हमें मिल जाएगी cos की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू x अपॉन l, और x की वैल्यू l cos थीटा। तो ये हो गई हमारी h और x की वैल्यूज हमने l के फॉर्म में और थीटा के फॉर्म में निकाल ली, है ना। गिवन हमको क्या क्या दिया हुआ है, एफ ए हमको जीरो, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया एफ ए जीरो है क्योंकि यहाँ पर स्लिपिंग नहीं, यहाँ पर स्लिपिंग हो रहा है, स्मूथ वॉल है। डब्ल्यू हमको 300 दिया हुआ है, एच हमने निकाल लिया, एक्स हमने निकाल लिया, एफ भी होता है म्यू बी एंड आर बी। म्यू बी की वैल्यू हमको दी है 0.24 और आर बी हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो आगे की प्रोसेस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो लेडर है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है ना। तो जैसे कि हम पहले सॉल्व करते थे कि जब भी बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाते हैं, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल जीरो एंड समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल जीरो, और वी कैन से दैट व्हाट कि ऑल द एल्जाब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस एंड एल्जाब्रिक सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल जीरो, है ना, बिकॉज इट इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहां पर हमने लगाया समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल जीरो लगाया हमने, तो हमको ये जो वेट है, वेट कितना दिया है 300, ठीक है। यहां पर म्यू बी कितना दिया है 0.24 और आर बी हमको नहीं पता, है ना। यहाँ पर एफ ए कितना है जीरो, क्योंकि ये स्मूथ है, तो हम लगाते हैं ये कंडीशंस, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल जीरो लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, दैट इज एल्जाब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इक्वल, वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, एक तो आर बी दिख रहा है और कौन सा दिख रहा है आपको, वर्टिकल फोर्स वेट दिख रहा है 300, तो ये दोनों हो गए। अब आर बी जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो हो जाएगा पॉजिटिव, 300 नीचे की तरफ आ रहा है तो -300 इज इक्वल जीरो। यहां से मिल गई हमको आर बी की वैल्यू कितनी, 300 न्यूटन। ना हमको लगाना है समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल जीरो, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन से, ये एफ वी दिख रहा है आपको और क्या आर ए दिख रहा है ना, ये दोनों फोर्सेस दिख रहे हैं। तो हमने लिखा एफ वी जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमने लिखा माइनस एफ वी और आर ए आपका ये है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट हैंड साइड जा रहा है, तो हमने आर ए को पॉजिटिव लिया है। आर ए की वैल्यू हमको नहीं पता, एफ वी को हम लिख सकते हैं म्यू बी आर बी इज इक्वल जीरो। यहाँ से हमने लिखा 0.24 इंटू 300 म्यू वी के लिए, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको 0.24 दी थी, आर भी हमने निकाला भी 300, तो हमने ये वैल्यू पुट करी, यहाँ से मिला हमको आर ए इज इक्वल 72 न्यूटन। तो हमको आर ए एंड आर बी की वैल्यूज मिल गई, ठीक है। अब क्योंकि जो लेडर है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो आगे हम क्या पुट अप कर सकते हैं, समेशन ऑफ एम ए इज इक्वल जीरो भी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, ए के अबाउट हम इस पॉइंट ए के अबाउट हम क्या लेंगे, मोमेंट लेंगे सारे फोर्सेस का, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए अब साइन कन्वेंशंस क्या ले रहे हैं हम, कि हम एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानेंगे और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानेंगे। तो यहाँ पर जो एफ पहले तो आर बी से स्टार्ट करते हैं, आर बी ए के अबाउट कैसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने लिखा आर बी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। तो ये हम कैसे निकालते हैं, हमेशा इसके लाइन ऑफ एक्शन को, जिस भी फोर्स की हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, जिसके अबाउट हमको मोमेंट लेना है, उसके लाइन ऑफ एक्शन को हम उस पॉइंट तक ले गए, ये ले गए हम सामने तक, और ये डिस्टेंस कितनी है हमारी एक्स, ठीक है। तो हमने लिखा माइनस आर बी इंटू एक्स, माइनस क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। नाउ प्लस एफ वी, क्योंकि ये कैसे घूमेगा आपका, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना, एफ वी कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो प्लस एफ वी, एफ वी को भी हम लाइन, इसके लाइन ऑफ एक्शन को यहां तक ले गए और ये, है ना, ये यहां तक ले गए और ये किससे मिला दिया हमने, परपेंडिकुलरली किससे मिला दिया, ए से। तो ये डिस्टेंस कितनी है अपनी, एच। तो लिखा एफ वी इंटू एच एंड प्लस फिर क्या है, वेट, वेट, ठीक है। तो वेट के लाइन ऑफ एक्शन को ए तक ले गए तो ये जो हाफ डिस्टेंस मिल जाएगी हमको, है ना, ये पॉइंट, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट पे, ये सेंटर पॉइंट को हमने ऐसे आगे बढ़ाया तो ये कहाँ पर क्रॉस कर रहा है, इस डिस्टेंस के हाफ पे क्रॉस कर रहा है। तो क्या लिख सकते हैं हम, प्लस 300 इंटू एक्स बाई टू, ठीक है, क्योंकि ये हाफ डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। तो हमने x बाई टू लिखा इज इक्वल जीरो। अब हम इन सब की वैल्यूज रख देंगे, आरबी की वैल्यू हमने 300 फाइंड की है, इंटू एक्स की वैल्यू हमको पता है कितनी है, एल कॉस थीटा, ये हमने अभी फाइंड आउट की थी,
प्लस एफ बी की वैल्यू 72 है, एफ बी की वैल्यू कैसे निकाली हमने 0.24 इंटू आरबी, आरबी कितना 300, तो 300 इंटू 0.24 कितना आया आपका 72, तो वही 72 इंटू एच कितना है अपना एल साइन थीटा हम फाइंड आउट कर चुके हैं, प्लस 300 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी एल कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं, ये हैं हमारे रिजल्ट। यहाँ पर हमको मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल, क्या मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल 150 एल कॉस थीटा बाई 72 मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पर 2.083 कॉस थीटा, यदि हम इस कॉस थीटा को थोड़ा सा दिमाग लगा कर साइड ले आए तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रिलेशन मिलेगा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है क्या टेन थीटा, तो यहाँ से हमको टेन थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स करके क्या मिल जाएगी 64.36 डिग्री। तो ये तो हो गया हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो हमसे पूछा गया था कि लेडर का आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताओ, तो हमने कितना फाइंड आउट किया 64.36। तो ये तो हमारी थोड़ी सी थ्योरी हुई लेडर पर बेस्ड एंड इसका न्यूमेरिकल हुआ। कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछें, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।